साइंस ने जितनी तेजी से तरक्की की है उतनी ही तेजी से बाकी चीजों के साथ साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया है। पहले युद्ध तलवार, भाला, बर्छी इत्यादि की मदद से होते थे, लेकिन अब गोला बारूद और जहाजों से युद्ध होता है। भले ही आज आधुनिक हथियारों का बोलबाला है, लेकिन आज भी परंपरागत हथियारों की अलग ही पहचान है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा ऐतिहासिक हथियारों की तलाश में लगे रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ बेहद पुराने हथियारों से मिलवाते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। नंबर 10, द ओल्डेस्ट स्वॉर्ड एवर। लगभग 150 साल पहले तुर्की के एक प्राचीन शहर में खुदाई के दौरान एक तलवार मिली थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह तलवार कितनी पुरानी है। बस इस तलवार को ऐतिहासिक मानते हुए इसे वहीं एक धार्मिक गुरु को दे दिया गया। बाद में इस तलवार को म्यूजियम में रख दिया गया। हाल ही में म्यूजियम के दौरे पर गए एक छात्र की नजर जब इस तलवार पर गई तो इसमें उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा कर रहे थे। उस छात्र ने अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस तलवार पर लगातार 2 साल तक रिसर्च किया। इसके बाद जो जानकारी निकल कर आई वो हैरान करने वाली थी। तलवार का केमिकल एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये तलवार 150-200 साल पुरानी नहीं बल्कि कम से कम 5000 साल पुरानी हो सकती है। इससे पहले कहीं भी इतनी पुरानी तलवार नहीं मिली थी। इससे ये पता चलता है कि ये दुनिया की पहली तलवार भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि संभवतः ये दुनिया की पहली तलवार है। नंबर 9, पर्शियन स्पाइक्ड गॉन्टलेट्स। हाल ही में स्टील का बना एक ग्लव्स मिला है। इसकी बनावट ऐसी है जो एक्सपर्ट्स के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। ये ग्लव्स वास्तव में सबसे पहले कहां पाया गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि संभवतः इसका संबंध भारत से हो सकता है। दरअसल स्टील के बने बेहद मजबूत ग्लव्स पर बाहर की ओर 7 मजबूत लोहे के कांटे बने हुए हैं। ये कांटे क्यों हैं? इसका एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये दुश्मनों को घायल करने के लिए बनाया गया होगा तथा इस ग्लव्स का उपयोग सैनिकों ने युद्ध में किया होगा। हालांकि इस पर लोगों की एक राय नहीं है। आपको क्या लगता है, इनका उपयोग कहां किया जाता रहा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, रोमन स्लिंग बुलेट्स। एक समय 0.44 मैग्नम बंदूक को सबसे खतरनाक हथियार में से एक माना जाता था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीजों का पता लगाया है जिसे 0.44 मैग्नम से भी खतरनाक बताया गया है। स्कॉटलैंड में खोज के दौरान बहुत विशेष प्रकार के पत्थर मिले। जांच के बाद पाया गया कि इस पत्थर का उपयोग किसी जमाने में लोगों को मारने के लिए किया जाता था, जैसे कि आज के समय में बंदूक की गोली का किया जाता है। इसलिए इस पत्थर को स्टोन बुलेट्स नाम दिया गया। इस स्टोन बुलेट्स को चलाने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र भी बनाए गए थे। जांच में ये भी पाया गया कि इस बुलेट्स की रफ्तार कम से कम लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती थी। ये बुलेट्स इतने खतरनाक थे कि जो भी इसकी चपेट में आता था उसकी मौत लगभग तय होती थी। इस स्टोन बुलेट्स को मानव इतिहास का सबसे पहला बुलेट भी माना जाता है। नंबर 7, द वेपन्स ऑफ द फैरोहस। जब भी इजिप्ट की बात होती है तो ज्यादातर वहाँ के पिरामिड्स और प्राचीन संरचनाओं तथा हजारों साल पुरानी ममीज का ही जिक्र होता है, लेकिन इन सबसे अलग वहाँ समय समय पर खतरनाक हथियार भी मिलते रहे हैं। हाल ही में इजिप्ट में खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में पुराने तलवार तथा कई दूसरे परंपरागत हथियार बरामद किए गए थे। जांच में पाया गया कि ये सभी हथियार हजारों साल पुराने हो सकते हैं। इनका उपयोग फिरौन के समय किया जाता था। जब फिरौन शासकों की मृत्यु होती थी तो इन हथियारों को लाश के साथ ही दफन कर दिया गया था। इस तरह की लगभग 124 तलवारें मिली थीं। नंबर 6, ग्रीक फायर। ग्रीक फायर एक प्रकार का बेहद खास हथियार था। इसका उपयोग बाइजेंटाइन एम्पायर के समय 7th सेंचुरी में बड़े स्तर पर किया जाता है। इसे किसी जमाने में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता था, लेकिन ये हथियार उस समय भी इनके उपयोग करने वालों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना हुआ था। उस रहस्य से आज भी वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। दरअसल ये एक ऐसा हथियार था जिसका उपयोग समुन्द्र में दूसरे जहाज पर आग लगाकर हमले करने में किया जाता था। आग लगाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता था ये किसी को नहीं मालूम था। ग्रीक फायर का उपयोग समुद्र के अलावा जमीन पर भी किया जाता था। इसे किसी डब्बे में भरकर दुश्मनों के इलाके में आग लगाने के लिए फेंका जाता था। उस समय ग्रीक फायर इस तरह का दुनिया का पहला हथियार माना जाता है। नंबर 5, द गन शील्ड। हाल ही में इंग्लैंड में बड़े स्तर पर गन शील्ड मिले हैं।
मजबूत लोहे तथा लकड़ियों के बने लगभग 46 गनशील्ड टावर ऑफ लंदन से लेकर इंग्लैंड के विभिन्न ऐतिहासिक जगहों तथा हथियार खानों में मिले हैं। इन गनशील्ड का उपयोग सैनिक दुश्मनों की गोलियों से बचने के लिए किया करते थे। इन गोलाकार गनशील्ड के ठीक बीच में एक सुराख बना हुआ है। यहाँ बस इतनी ही जगह है जहाँ से सिर्फ एक बंदूक की नली निकल सकती है। बाकी हिस्सा काफी बड़ा होता है जो कि गोली चलाने वाले की शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसे सैनिक अपनी पीठ पर भी खुद को सुरक्षा देने के लिए बांधा करते थे। माना जाता है कि ये गन शील्ड लगभग 16वीं शताब्दी के हैं। नंबर 4, ग्रीन ग्लास स्पेयरहेड। हाल ही में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बेहद अनोखे हथियार का पता लगाया है। दरअसल ये हथियार छोटे छोटे शीशों के टुकड़े थे। माना जाता है कि इन हथियारों का उपयोग किसी जमाने में चाकू के तौर पर किया जाता रहा होगा। चूंकि इन शीशे के टुकड़ों में काफी ज्यादा धार होती है, ऐसे में किसी को ये बुरी तरीके से घायल करने या जान लेने के लिए काफी होता था। इसके अलावा इसका उपयोग जानवरों के शिकार में भी किया जाता था। जिस इलाके में ये हथियार मिले थे, किसी जमाने में वहाँ हजारों कैदियों को रखा जाता था। ऐसे में माना जाता है कि ये हथियार इन्हीं कैदियों ने उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए बनाया होगा। जांच में पाया गया कि ये हथियार लगभग 100 साल पुराने हो सकते हैं। नंबर 3, शार्क टूथ स्वॉर्ड। शार्क कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में इनसे भी कोई खतरनाक है जो इन्हीं शार्कों का शिकार किया करते थे। वो हैं इंसान। जी हाँ, पैसिफिक ओशन के गिल्बर्ट आइलैंड पर 18वीं शताब्दी में 124 ऐसे ऐतिहासिक हथियार बरामद किए गए जो केवल शार्क के दांतों से बनाए गए थे। शार्क के दांत बहुत मजबूत तथा तेज होते हैं। इसी का फायदा इंसानों ने उठाते हुए शार्क का शिकार कर उसके दांत से हथियार बनाने लगे। इन दांतों का उपयोग तलवार बनाने के साथ साथ भाले, बर्छी, छुरी इत्यादि बनाने में किया जाता था। जांच की गई तो पता चला कि ये हथियार एक दो नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रजातियों के शार्क के दांत से बनाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे शार्क के दांत मिले जो शार्क इस क्षेत्र में पाए भी नहीं जाते थे। ऐसे में ये दांत इन लोगों के हाथ कैसे आए, ये बात वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आया। नंबर 2, टेरा कोटा क्रॉसबोज। चीन में एक जगह है जिसे टेरा कोटा वॉरियर साइट के नाम से जाना जाता है। 1974 में इस जगह की खोज अचानक ही की गई थी। यहाँ लगभग 8000 से अधिक मिट्टी की बनी सैनिकों की मूर्तियां मिली थी। यहीं सैनिकों के पास हथियार के अवशेष भी मिले थे। जांच में पाया गया कि जो अवशेष मिले हैं वो हथियारों का ऊपरी हिस्सा है, बाकी हिस्सा नष्ट हो गया क्योंकि वो लकड़ी तथा बांस से बनाए गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि संभवतः इन हथियारों का उपयोग कभी किया भी नहीं गया होगा, इसे केवल प्रतीक के रूप में बनाया गया होगा। इन हथियारों में जो लोहे के पार्ट्स लगे हुए थे वो सभी लगभग एक जैसे थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये संभवतः पहला हथियार हो सकता है जिसके पार्ट्स किसी फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। नंबर 1, वाइकिंग स्वॉर्ड्स। यूरोपीय देशों में पहाड़ों की चोटियों पर, झीलों की गहराइयों इत्यादि में नियमित रूप से तलवार के अवशेष मिलते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एस्टोनिया नाम के देश में जो मिला वो हैरान करने वाला था। दरअसल एक ही लोकेशन पर आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 100 वाइकिंग स्वॉर्ड्स मिले। जांच में सामने आया कि 10वीं सेंचुरी के आसपास ये जगह सैनिकों से घिरा रहता था तथा इसके आसपास युद्ध होते रहते थे। ऐसे में जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे उनको दफन करने के बाद उसकी पहचान के तौर पर उसी की तलवार कब्र पर लगा देते थे। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में यहाँ से तलवार मिले थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद।